अगला सेशन बहुत रोचक है, तो मुझे लगा, मुझे आभास हुआ कि वो मुझे कह रही है कि अगला सेशन अब आपको रोचक बनाना है। जीडीपी और ग्लोबल, मतलब जीडीपी और जीएनएच, इसमें क्या रोचक हो सकता है? लेकिन द वे पंकज सर हैज स्टार्टेड द सेशन ब्रिलियंटली एंड पुटिंग एंड सिंपलीफाइंग थिंग्स फॉर अस, आई एम श्योर रोचक शुरुआत हो गई है। अब मुझे वो उसकी जो रोचकता है वो बरकरार रखनी है। सो फ्रेंड्स, इन फ्रंट ऑफ दिस ब्रिलियंट एंड स्कॉलर मॉब एंड इन द लीग ऑफ ऑल एक्सपर्ट्स एंड डिग्निटरीज ऑन द स्टेज, आई रियली फील माय सेल्फ लिटिल इंफीरियर। इंफीरियर बिकॉज आई एम अ स्मॉल जर्नलिस्ट एंड आई कुड बी यू नो मास्टर फ्यू ट्रेड्स बट आई डोंट नो रियली, आई मीन आई कुड बी जैक ऑफ फ्यू ट्रेड्स बट आई डोंट नो इफ आई मास्टर देम। But I have followed news, I have followed incidences, and I have traveled a bit of the world, and with that experience, I'm here in front of you. तो चलो अगर हम बात कर रहे हैं पैसे की, मुझे बताइए जैसे मोदी जी ने हमें कहा है 15 करोड़ रुपए हमारे बैंक खातों में जमा कर देंगे, किस किस को चाहिए 15 करोड़ रुपए उनके बैंक खातों में? अब बात यह है कि ऐसा क्यों है कि हम फिलहाल जीडीपी को
मेजर करके चल रहे हैं, जीडीपी को सही मान के चल रहे हैं। बात सही या गलत की है ही नहीं इसमें। तो एक जीडीपी को अगर देख के चले तो जीडीपी की शुरुआत कब से हुई है और क्यों जीडीपी की हमें जरूरत पड़ी, सबसे पहले महसूस हुई। वैसे देखा जाए तो कॉन्सेप्ट है 17th century का, बहुत पुराना। लेकिन कब असल में उसका इस्तेमाल शुरू हुआ, तो वो शुरू हुआ दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद। और ये उसको कॉन्स्टिट्यूट किया, उसको डिफाइन किया जो रूसो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट और स्टैटिस्टिशियन थे कुजनेट ने, साइमन कुजनेट ने। अब क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि दूसरी वर्ल्ड वॉर के बाद इकोनॉमी एंड ग्लोबल इकोनॉमी वॉज इन शैटर्स। युद्ध पे बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो गए थे और देशों के पास पैसे नहीं थे और बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो ध्वस्त हो चुका था, उन्हें दोबारा से खड़ा करना था, कंट्रीज को दोबारा से खड़ा करना था। इसीलिए इस जरूरत से सब लोग एक हुए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स का गठन हुआ, वर्ल्ड बैंक का गठन हुआ और उनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि वो पैसा खड़ा करे देशों को उभारने के लिए। अब किस बलबूते पर देशों को जो देश जो जरूरत में थे उनको पैसा दिया जाएगा? कोई एक तो मेजर होना चाहिए। क्या तो तुम्हारी इकोनॉमी इसकी क्षमता रखती है कि तुम्हें पैसा देने से तुम्हारा विकास होगा? इस बात से फिर कुछ जो पुराना कॉन्सेप्ट 10 साल पुराना कॉन्सेप्ट कुजनेट जी ने सबके सामने रखा था, उस जीडीपी को बतौर इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ लेने की बात हुई और वो ज्यादातर कंट्रीज ने टॉप से यूएस से लेके जो कि उस वक्त उभरती इकोनॉमी थी, यूरोपियन कंट्रीज जिनको सबसे ज्यादा जरूरत थी और डेवलपिंग कंट्रीज जिनको तो जरूरत थी ही और रहती ही है, और तब से शुरुआत हुई कि जिनकी जीडीपी ग्रोथ रेट अच्छी चल रही हो वो कैसे जीडीपी का कैसे गिना जाता है आपको सुनाने से ज्यादा अच्छा बता पाएंगे। लेकिन जिनकी जीडीपी ग्रोथ रेट अच्छी चल रही हो उनको इंटरनेशनली फंडिंग मिलना आसान होगा, और वहां से शुरुआत हुई जीडीपी की एज अ मेजर ऑफ इंडियन एज अ मेजर ऑफ इकोनॉमी। तो कहने का मुद्दा ये है कि जीडीपी आज तक ग्रोथ का मतलब ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी का एक प्रैक्टिकल मेजर माना गया है, क्योंकि वो हम गिन सकते हैं। विदेश से इंडियन इकोनॉमी हैज ग्रोथ बाय 3.1%। वी नो दैट पिछले साल के मुकाबले ग्रोथ रेट हैज बीन हायर बाय 3 to 3.1%। अब बात यह है कि हैप्पीनेस को हम कैसे गिनेंगे। जब कुजनेट ने भी ये बात कही थी कि हम जीडीपी एक ग्रोथ एक मेजर हो सकता है, तो उन्हें भी ऐसा था और उन्होंने भी ये कहा था कि ये वेलबींग को डिफाइन नहीं करता। जीडीपी किसी भी इंडिविजुअल के या देश के वेलबींग को डिफाइन नहीं करता, लेकिन एक हमें रूट लेके चलना चाहिए जो कि सबके लिए और सभी इकोनॉमिक्स की बात कर सके। और दूसरी बात यह है कि जीडीपी से हम इकोनॉमी भी समझ सकते हैं। कुछ कुछ लोग अगर आप में से फाइनेंस वाले होंगे या फिर एमबीए कर रहे होंगे या फिर इकोनॉमिक्स कर चुके होंगे तो वो समझ जाएंगे कि बेसिकली इकोनॉमी हमारे लिए क्या है। कभी कभी ऐसे होता है कि जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा लोगों कभी कभी नहीं, हम तो फिलहाल ही इनको झेल रहे हैं कि कभी जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा नहीं मिल पाती। जब हम पास आउट होते हैं हमारे सामने जॉब्स नहीं है, क्यों नहीं है? कभी सुना है रिसेशन चल रहा है? ये कंडीशन है इकोनॉमी की कि जिसमें रिसेशन चल रहा हो। ग्रेट डिप्रेशन के बारे में आपने सुना होगा या फिर प्रॉस्पेरिटी के बारे में सुना होगा। तो ये जो फेजेस में हमारी इकोनॉमी चलती है, कभी कभी हम वो जीडीपी के टर्म ऑलवेज हम वो जीडीपी के टर्म्स में उसको मेजर कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा जीडीपी का फायदा है जिसके लिए हम कहते हैं कि जीडीपी को हमारे देश ने मान्यता दी है एज अ ग्रोथ एज एन इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ। ये एक बार है, ऊपर से जीडीपी में हम ये भी इंक्लूड करते हैं कि कितना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हुआ है, जो
गवर्नमेंट बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए गवर्नमेंट ने कितना स्पेंड किया है, उससे कितने लोगों को रोजगार मिला है, इन चीजों को हम मेडिकल मेजर हैं और इसीलिए ये प्रैक्टिकल मेजर है जिससे कि हम बात कर सकते हैं अपने इकोनॉमी के बारे में। सिर्फ हमारे देश के लिए नहीं, बिजनेसेस के लिए भी ये हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड हाउ आवर बिजनेसेस आर रन। और ये कुछ ऐसी चीजें हैं हमारे जीडीपी के बारे में जो मुझे लगता है कि शायद हमें नहीं पता हो और जिनकी वजह से हमारा एक इंप्रेशन ओवरऑल जीडीपी के बारे में कुछ होता है। अब दूसरी बात यह है कि जब हम कहते हैं कि हैप्पीनेस को हम मेजर नहीं कर सकते, तो एक मैं कहना चाहूंगी कि हाल ही में यूनाइटेड नेशंस ने एक इनिशिएटिव लिया है और 2011 से लेके ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को मेजर करने की उन्होंने एक इनिशिएटिव शुरू किया है जिनके बारे में सर ने भी बात की। और 2018 के जो आंकड़े हमारे पास ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के हैं उसके मुताबिक 156 देशों में भारत का नंबर इन टर्म्स ऑफ हैप्पीनेस 132वां है एंड दैट पिक्स अस अ सैड कंट्री। डू यू थिंक वी आर सैड? क्योंकि उनके जो निकष उसमें रखे गए हैं ग्रॉस कैसे लिया गया है, ये हैप्पीनेस पोर्शन कैसे लिया गया है, हर साल हर देश जो 156 देश है उनके 1000 लोगों को एक क्वेश्चनर दी गई है जिनमें पूछा गया है कि क्या वो अपने जॉब के बारे में सेटिस्फाइड है, क्या वो सोचते हैं कि सोसाइटी में वेलबींग है, सोसाइटी में दे आर एक्सेप्टेड, क्या उनके पड़ोस में अच्छा वातावरण है जिससे कि वो अपने आप को ग्रो कर सके, अपनी फैमिली को अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दे सके। और इन 1000 लोगों ने जो भी जवाब दिए हैं उसके मुताबिक ये इंडेक्स ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का इंडेक्स बनाया गया है। और शायद आप चौंक जाएंगे ये सुनकर कि अगर हम 132वें स्थान पर है तो भूटान 75, पाकिस्तान 101, नेपाल 102 और ये हमारे नेबरिंग कंट्रीज हमसे हैप्पी है। तो मेरे ये लगता है कि क्या ये एक तो पहली चीज, अगर यूएन ने ये इनिशिएटिव लिया है तो क्या 1000 पर कंट्री ये सैंपल साइज इज गुड इनफ टू डिसाइड द हैप्पीनेस? और ऊपर से ये भी इस चीज को भी मायने नहीं रखा गया है कि वहां कौन सा शासन राज कर रहा है। वी हैव डेमोक्रेसी, वी आर लिबरेटेड। चाइना में जहां कम्युनिज्म है उन राज्यों में, जहां मोनार्की है उन राज्यों में शासन ने पहले से ही कह दिया है कि हमें हैप्पीनेस इंडेक्स को लेकर चलना ही नहीं है, हमें हैप्पीनेस इंडेक्स का आपका हमसे कोई वास्ता नहीं है। तो इन सब सोशल मैटर्स पे, सोशल इश्यूज पे इतना निर्भर है कि जीडीपी जैसा नहीं है, हैप्पीनेस हम कैसे गिन सकते हैं। और इसीलिए फिलहाल अगर हम देखें तो लगता है कि जीडीपी इज अ बेटर मेजर इन प्रेजेंट सिनेरियो, इज अ बेटर मेजर ऑफ ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। लेकिन हाँ, ये तो जरूरत है क्योंकि हैप्पीनेस में एक बात और है, जब एक तो हम तज्ञों से बात करते हैं, हम एक्सपर्ट से बात करते हैं, इकोनॉमिस्ट से बात करते हैं तो सब यही कहते हैं कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक जगह, कि हमारे पास कितनी भी योजनाएं होंगी जिससे कि हम चाहते हैं कि लास्ट पर्सन ऑफ द इकोनॉमी तक शिक्षा पहुंचे, लेकिन क्या वाकई वो उन तक पहुंचती है? और पहुंचती भी है तो किस स्टैंडर्ड की एजुकेशन, किस स्टैंडर्ड की शिक्षा उन्हें मिलती है? क्या ये सोचने का कोई मेजर होना चाहिए? अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो वो इनकम हम किन चीजों पे खर्च करना चाहते हैं, किन चीजों पे खर्च कर रहे हैं, उससे हमें क्या हासिल हो रहा है? क्या इसका कोई मेजर होना चाहिए या इसका कोई मेजर है? तो हाँ,
वो हम हैप्पीनेस में जरूर सोच सकते। पॉपुलेशन थ्योरी जिसे कहा जाता है कि लास्ट टू द लास्ट यूनिट ऑफ द इकोनॉमी, उन तक ये मदद अगर पहुंचती है तो उसकी हमें जरूर चाह होगी, उसके लिए हम जरूर तरस रहे हैं। जैसे सर ने कहा, आर्थिक विषमता अगर दूर हो पाएगी तो उसके लिए एक बहुत अच्छा मेजर हैप्पीनेस इंडेक्स बन सकता है, और उस लिए हम सोच सकते हैं और उसके लिए हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं। और ज्यादा आपको बहुत ज्यादा बोर नहीं करूंगी इसलिए क्योंकि मैं देख रही हूँ, क्योंकि एक बार मैं आपको बस इसी बारे में सोच चाहती हूँ कि आप इस पूरे सेशन के बारे में, पार्लियामेंट के बारे में आप सोचें कि जैसे एक अभिषेक बच्चन की फिल्म है जिसमें उन्होंने कहा है कि ना बाप बड़ा ना मैया, सबसे बड़ा भैया सबसे बड़ा रुपया, और अमिताभ जी ने पहले से जो एंट्री पॉइंट यंग पॉइंट रह चुके हैं वो भी पहले से कह चुके हैं, कहते आए अपने फिल्मों में, पैसे छोड़ छाड़ के वो दे दे प्यार दे प्यार दे, रोड सड़क पे घूम के मांग इसकी डिमांड कर रहे हैं। तो हाँ, प्यार जरूर चाहिए, भाईचारा जरूर चाहिए, लेकिन हमें पैसों को भूलना नहीं चाहिए कि क्योंकि हम बात इंडियन, हम हमारे इकोनॉमी की कर रहे हैं, हमारे सेहत की कर रहे हैं, हमारे जेब की कर रहे हैं। बस इसी नोट पे मैं एंड करना चाहूंगी, बाकी टू अदर एक्सपर्ट। कुछ जैसे कि कहा है कि हमारे लिए रोचक विषय है ये, और सच में बहुत सारी रोचक बातें हमें सुनने मिल रही हैं, आप लोग भी अलग तरह से उसको सोच ही रहे होंगे। अब जो हमारी अग्नि वक्ता हैं डॉक्टर प्रकृति पोदार, शी इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ वेलनेस पोदार वेलनेस एंड चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर ऑफ नेशनल वुमेन्स पार्लियामेंट। She is a public speaker, peak performance developer, counselor, hypnotherapist. She has won awards for her strides in mental health, and she has been recognized as the iconic Women of the Year as a result of all the upliftment work she has done with PWS of society. Being a strategic holistic consultant, she has set up startups, she has coached entrepreneurs. She has written articles on corporate wellness and personal wellness. And she continues to foster relationships with individuals and communities looking to develop holistic wellness. So, Prakriti ji ka jo kaam, unka jo pesha, wo hi is baat se juda hua hai ki samagra vikas ki baat ki jaye, ekangi vikas ki nahi. To, nishchit roop se unse कुछ और इंसाइट्स, कुछ और नया दृष्टिकोण हमें इस विषय में मिलेगा। डॉक्टर प्रकृति होता ग्राफ्टन, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस फैंटास्टिक इवेंट। I heard you say that your Hindi isn't very good. My Hindi is worse than that, so I won't attempt talking in Hindi. Does everybody understand English? Yes. So I'm going to talk in English. All those fantastic statements that man made about me was not because I was chasing money. It was because I was working for my passion. And I expect after our talk today that all of you don the lens of your passion in order to go and grow society in a healthier way. Before I get into my conversation with you about gross domestic happiness, I want to have you really think about what happiness means to you. In gross domestic happiness, one of the key highlights is to honor our own heritage. I don't know how many of us really do that even today. And just to get you back into that system, I'd like you all to stand up now and just do namaste to each other, because that in itself
is talking about honoring yourself and the other in an equal measure. So please stand up. Everybody knows the name, I'm not going to take the name. They were flying back
from one of the trips, and both parents died in the crash. The son was left alone with a business, a huge business, and an estate, a house. Do you think that he was happy because he got all these things, or he had all these things? Do you think he was sad that he didn't have loved ones around him? I see some people are talking, this is very good, I expect that. What do you think happened to the boy? I can't hear. He was miserable. He wasn't able to be a success. And this, my friends, is when you start to realize what is important in life. When you realize what is important in life, when you wear that lens, all your work will be focused around building that in your life. Which means that the businesses that you get into, but are most of you engineers here? Or are you also business and finance, accounting? It's a mixture? Okay, so you all have to be ambassadors of happiness. You all have to decide that the things that you're going to build, the entrepreneurship that you're going to do, the technology that you're going to create, is all focused around building peace and harmony in daily living. That is one of the most important things. We may talk about how GDP is rising and how everything is rising, but India has 1 in 4 people being depressed. 1 in 4. Do you know how many people that is just in this audience? It's one of us on the stage. We're 1 in 4. That's a huge number. We can keep talking about how well we're doing, India rising, India shining, but we're not. We're not emotionally. And if we're not emotionally, we're pulling other people down as well. Because when you are sad, the circle of influence that you have is also going through something. I had a patient who was a young girl, studying very well, educated, good parents, good family background. And she came to me, her parents had gotten to me because she was a kleptomaniac. Do you know what a kleptomaniac is? Somebody who steals or has a habit of stealing. And this was only because she wanted things that other people had and her parents did not give it to her. They didn't think that it was important for her to have the latest gadgets or for her to have the latest outfit from Zara. They didn't think it was important. They were trying to instill values in her. So she instead started to steal. It took us 30 sessions to change her thought process, to bring it back to her own value system, her own reality. And my friend, this is not a story that is very alien to us. We all look at ourselves from the outside. We're all looking at ourselves from the posts that we post on Instagram, Facebook, or whatever medium we're using. We've all taken our 40 lives and made it 2D. Why? We're all just an impression, a picture of what we used to be. Life is supposed to be the other way around. We're supposed to be so much more than that 2D. If you look at films, they're moving from 2D to 3D to 4D so that you can experience a more immersive reality. But we're going the other way around. That is society moving backwards, not forward. And money and GDP is not going to show us how forward we're moving. We've got people